यही भारत है जहां गैस की कीमत 10 रुपया बढ़ने पर लोग सड़क पर कूद पड़ते थे। यही भारत है जहां बोला गया था कि 35 रुपए के भाव में पेट्रोल मिलेगा। यही भारत है जहां लोगों को यह यकीन दिलवा दिया गया कि भ्रष्टाचार जड़ से मिट जाएगी। यही भारत है जहां कहा गया कि जितने नेताओं ने देश को लूट कर घर भरा है वह सभी जेल जाएंगे। यही भारत है जहां जनता को पूरा भरोसा दिलवा दिया गया कि सबके खाते में 15 लाख रुपए आ जाएंगे। और यही वह भाजपा सरकार है जो कांग्रेस की नीतियों का विरोध करती थी कभी, अब उनकी नीतियों को लागू करते जा रही है। जी हाँ, जीएसटी का विरोध करने वाली जीएसटी और मनरेगा चला रहा है, और जीएसटी का कितना फायदा मिला आज यही जानेंगे। जहां नमक पर लगान लगते ही पूरा भारत जल उठा था, अब वही भारत है जहां दूध दही और जीएसटी के दायरे में लाकर फायदे गिनवा रही है सरकार। जनता घोर महंगाई से त्राही त्राही कर रहे हैं, पर सरकार अपनी मस्ती में ठीक नीरों की तरह है और चैन से बांसुरी बजा रही है। भारत का क्या हश्र होगा वह जनता बहुत जल्दी देखेगी, पर तब आम आदमी कितना मजबूर होगा कल्पना करके उनकी जिंदगी के विषय में सोचिए। तब आम आदमी के दर्द का एहसास होगा। अगर आपकी अंतरात्मा नहीं मरी है तो सभी दृश्य आपके दिल और दिमाग में चलचित्र की तरह दिखने लग जाएगा। चलिए मेरे साथ एशिया के सबसे बड़ी अनाज मंडी में, जहां हमने व्यापारियों से चर्चा किए और उनसे पूछे कि जीएसटी के कितने फायदे हुए और कितने नुकसान। आए मेरे साथ देखेंगे, एशिया का सबसे बड़ा अनाज मंडी है, दुकान है जहां ज्यादा व्यापारी गुजराती और मारवाड़ी है, जिन्होंने मोदी के गीत गाए थे कभी, अब वही कहते हैं बस हुआ मोदी सरकार, गद्दी से नीचे उतरो तब देश में आएगी बाहर। वहीं दुकान में आम आदमी ने साफ कह दिया, यह झूठा आदमी लोगों को ठग चुका है। सच तो यह है कि आम आदमी की दशा बद से बदतर होती जा रही है और आम नागरिक ही सरकारें चुनती है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं फिलहाल इस वक्त नवी मुंबई के होलसेल मंडी में मौजूद हूं, और यहां पर देख रहे हैं व्यापारों की जो दुकानें हैं लगभग खाली सा माहौल है। और सच बताया जाए तो जितने लोगों से हमने बात की उनका कहना था कि जीएसटी लागू करने की वजह से व्यापारियों का जो कारोबार है लगभग थम सा गया है और उनका घाटे में कारोबार चल रहा है, और जिसकी वजह से व्यापारी काफ़ी परेशान है। आम लोगों से हमने बात करने की सोची है और हमने आम लोगों से बात भी किया, तो उनका कहना था कि सरकार की जो नीतियाँ हैं वो आम जनता के काबिल नहीं बची है, आम जनता इसमें महंगाई में पिस रही है और जिसकी वजह से आम जनता त्राही त्राही कर रही है। हम इसी तरह से आए हैं अभी एपीएमसी मार्केट में और दुकानदारों से और चर्चा करेंगे, जानेंगे उनसे कि आखिर ये जो सरकार की नीतियाँ हैं कितनी कारगर साबित होगी और क्या सरकार को सत्ता में रहना चाहिए या नहीं चाहिए, क्योंकि जो नीतियाँ बनाई जा रही है उससे जनता काफ़ी परेशान है। जिस तरह के लोक भवन ने जो वादे किए गए थे, भाजपा ने कहा था कि अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन तो नहीं आए। गैस की बात की जाए, तेल की बात की जाए और खाद्य पदार्थ की बात की जाए तो यहाँ पर इतनी ज़्यादा महंगाई बढ़ चुकी है कि लोगों का जीना दुर्भर हो चुका है। और महंगाई के अनुपात में अगर बात की जाए सैलरी की, तो लोगों की उस अनुपात में सैलरी नहीं बढ़ी है और जिसकी वजह से घर चलाना उनका मुश्किल हो रहा है। हमारे साथ मार्केट के व्यापारी मौजूद है, चर्चा करेंगे उनसे और जानेंगे कि सरकार की नीतियाँ कितनी कारगर साबित होगी उनके लिए और क्या आने वाले समय में जिस तरह की प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है और जिस तरह के कारोबार में उन्हें घाटा उठाना पड़ रहा है, क्या वो मार्केट में बने रह पाएंगे, टिक पाएंगे, या उन्हें भी अपना कारोबार समाप्त कर देना होगा और सरकार की नीति के को कोसने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं बचेगा। जानते हैं उनसे उनका क्या कहना है। सर, ये बताएं कि जिस तरह से जीएसटी खाने पीने की वस्तुओं पर लगा दिया गया है, इससे व्यापारियों का कितना फायदा और कितना नुकसान है? क्या लग रहा है कि व्यापारी इससे संतुष्ट है या नहीं है? व्यापारी बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। क्यों नहीं संतुष्ट है ये बताइए, आप व्यापारी पे कहाँ बोझ पड़ने वाला? व्यापारी तो जनता पर, आम आदमी पर बोझ डाल देती है। व्यापारी के भी तो पड़ेगा ना सर। कैसे, जरा समझाएं जरा जनता को कि किस तरह से। हम आपने अभी 25 किलो के अंदर लेंगे। अच्छा, हम तो कस्टमर ले नहीं सकते जीएसटी। अच्छा, 5-5-6 किलो महंगा हो जाएगा। अच्छा, तो पब्लिक पूरा ऑनलाइन डाइवर्ट हो जाएगी। अच्छा, सीधी सी बात है। तो ऑनलाइन डाइवर्ट हो जाने की वजह से आप लोगों का कितना नुकसान हो सकता है? क्या लगता है आने वाले समय में आप लोग मार्केट में प्रतिस्पर्धा में टिके रह पाओगे? आप नहीं, नहीं बिल्कुल मार्केट से आउट होना पड़ेगा। तो सर, व्यापारी अच्छा नहीं निकलेगा ना सर जी। तो अभी जीएसटी लागू हुआ उसके बाद से कितना फर्क पड़ा आपके कारोबार पर? कितना असर फर्क हो गया? 50% असर पड़ गया है। अभी ऑनलाइन जो मंगाते हैं और यहाँ से ले जाते हैं, अगर आंकड़ों की बात की जाए किलो की, प्रति किलो के पीछे कितना फर्क पड़ रहा है ये बताइए। 30-40% फर्क पड़ेगा सर ऑनलाइन जी। अभी आपको है समझ लो 1 किलो तोड़ दाल लेना है, आपके बच्चे के कोई भी है, ऑनलाइन ही मंगाएंगे। तो आप ये कहना चाहते हो कि गवर्नमेंट ने जो नीति निर्धारित की है उससे व्यापारियों की हालत दयनीय हो जाएगी? व्यापारी की हालत खराब हो जाएगी, एकदम खराब हो जाएगी, हो गई है।
तो इससे जनता बच पाएगी क्या? जब व्यापारी नहीं बचेगा तो जनता कैसे बचेगा बताइए? सीधी सी बात है ना सर, तो व्यापारी के जो ये हो जाएंगे तो कस्टम आम आदमी के बेचारे मर ही जाएंगे ना। अभी कम से कम आज की पोजीशन तूर दाल की देख लो जी, 102-103 रुपये तूर दाल हो गई, 102-103 रुपये हो गया है होलसेल में, होलसेल मंडी में जी। GST आने के बाद सारी आइटमें बढ़ गई भाव जी, तो आम आदमी बेचारा है कंज्यूमर, वो बेचारा क्या खाए। तो सरकार की नीतियों से कितने संतुष्ट हो आप? आपको लगता है कि सरकार बेहतर काम कर रही है, अच्छे दिन आ गए सबके? नहीं नहीं, बेहतर दिन आ गए क्या, अच्छे दिन आए। जनता कम होते ही जा रहे हैं, होते ही जा रहे हैं, बढ़ने के तो मुनाफा, मुनाफा में असर पड़ रहा है। तो छोड़ी तो धंधा नहीं है तो मुनाफा किधर से होगा भाई। अच्छा, अभी आप कुछ कह रहे थे, बताइए कि क्या क्या फर्क पड़ गया GST से, आम जनमानस को क्या फायदा हुआ है, क्या नुकसान हुआ है? आम आदमी को GST का क्या मिल रहा है? एक चीज आम आदमी को मार ही रहे रिटर्न कुछ होता है क्या? तो सरकार की नीति से आप कितने संतुष्ट हो? सरकार बेहतर काम कर रही है? सरकार से संतुष्टि नहीं है। अच्छा, तो अच्छे दिन नहीं आए आपको? नहीं लगता है बहुत बेकार दिन आ गए? बहुत बेकार दिन आ गए। 15 लाख रुपए आपके खाते में भी आने वाले थे, तो अब तक पहुँचे या नहीं पहुँचे? 15 रुपए आने दो। अच्छा, 15 लाख क्या, 15 लाख की बात कर रही है? नहीं, 15 लाख नहीं आए। तो ये सरकार को सत्ता में रहने का अधिकार बचा है? बिल्कुल, सत्ता में रहने का अधिकार नहीं बचा है। तो लगता है इनको गद्दी छोड़ देना चाहिए। देश संभलेगा इनसे? नहीं संभलेगा, इनसे देश नहीं संभलने वाला है। अच्छे दिन तो नहीं आए जी, लेकिन अभी बुरे दिन चालू हो गए। देखो मार्केट का क्या हाल हवाल है इधर जी। एक दिन इधर टाइम नहीं था, गिराक को बोलाने का समय नहीं था इधर जी। अभी हमको समय नहीं है, गिराक को इधर बुला बुला के थक जाते हैं, इधर कोई गिराक नहीं है। तो होलसेल मंडी का ये आलम है, तो छोटे दुकानदारों का क्या दशा होगा आप ये बताएं? ये सब ऑनलाइन है, ऑनलाइन वाला ने वाट लगाए। तो सरकार ने जितने भी कायदे वायदे बनाए हैं व्यापारियों के लिए, नागरिकों के लिए, आपको लगता है कि उनकी नीतियां सफल हो रही है और इससे देश की तरक्की हो जाएगी दुकानदारों की? जब से लॉकडाउन से चालू जो ऑनलाइन किया है ना, तभी से हमारा धंधा एकदम पूरा ठप हो गया है जी, एकदम हालत खराब है, गंभीर हालत खराब है, गंभीर। सरकार से क्या उम्मीद करते हो आप? सरकार किस तरह के कायदे बनाने चाहिए ताकि मार्केट में व्यापारी बने रह पाए? सही बात है, सरकार के नीतियों से संतुष्ट हो आप? नहीं, बिल्कुल संतुष्ट नहीं। क्या भाजपा को अब सत्ता में रहने का अधिकार है? आपको लगता है कि जिस तरह से वो नीतियां बना रही है और आम जनता त्राही त्राही कर रही है, महंगाई से लोग त्रस्त है, 450 का सिलेंडर 1100 के करीब पहुंच गया हुआ है, आपको लगता है कि अच्छे दिन आ गए? आज देखो दाल, अभी 10 दिन पहले 90 रुपये दाल था, आज 110 रुपये दाल का रेट है आज जी। सिंगना का, अरे साबूदाना, हाँ साबूदाना 10 दिन पहले 50 रुपये 55 रुपये भाव था, आज 75 भाव है। मतलब कहीं ना कहीं इसमें सरकार की नीतियां में खामियां हैं, जिसकी उसका खामियां जहां आम नागरिक से लेकर दुकानदार तक भोग रहे हैं। उसमें भी आम कस्टमर को क्या बोले जी, कैसे बढ़ गया, इतना कैसे बढ़ गया जी। बहुत बहुत शुक्रिया। महंगाई कम कहाँ हुई है? महंगाई कम नहीं हुई है, कहाँ हुई? नहीं तो अच्छे दिन तो आ गए, लोग व्यापारी कह रहे हैं कि अच्छे दिन हमारे आ गए, कारोबार व्यापारियों को तो आएंगे ही नहीं, उनको तो पैसा लूटना है। अच्छा, व्यापारी हम लोग तो खरीदने वाले हैं, खाने वाले हैं, तो अच्छा तो आएगा ही नहीं। तो आम जनता की दशा जो है दयनीय होती जा रही है, इस तरह से महंगाई बढ़ रही है, कभी भी सुखी नहीं रहेगी आम जनता, कभी भी सुखी नहीं रहेगी कोई भी सरकार आवे। ओके, कोई भी सरकार आवे आम जनता का लूटने वाले ही सर, चाहे कोई भी सरकार, कोई भी सरकार आ जाए जनता के भाग्य में जो है लूटना लिखा हुआ है। लेकिन पहले और में जैसे कि सरकार ने वादे किए थे कि अच्छे दिन आने वाले, लोग करते हैं, कौन नहीं करता है वादा? आपके अकाउंट में 15 लाख रुपए आने की बात की गई कही गई थी, आज तक कोई 1 लाख रुपया नहीं दिया, तो 15 लाख कहाँ से देंगे? तो मतलब वो मात्र जो बाद में जुमला बोला गया, वो जुमले वाली बात नहीं है, सब लोग इलेक्शन में यही बात करते हैं, जुमला ही करते हैं। तो ये सर इलेक्शन में प्रचार में सब यही करते हैं, तो अगर झूठ बोल के अगर कोई मत ले तो आपको लगता है वो सही है? तो सब नेता जीतते हैं, सब नेता सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, ये पूछना चाहता हूं। गलत कर रहे हैं, सब झूठ बोलते हैं, कौन नेता सही है? अच्छा, सब गलत है। सरकार गद्दी पर विराजे हुए हैं, पर यह ना भूले कि यह पब्लिक है, सब जानती है। तो दोस्तों, आपको मेरी खबर बेहतर लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पे लिख भेजें। तो गोपाल साहब को दीजिए इजाजत, समाज की इसी तरह की ज्वलंत मुद्दा लेकर हम जल्द हाजिर होंगे।